शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं आदरणीय मकर साहब को, आदरणीय रुपेश जी को, इसकी स्टार कास्ट में शोभिता जी को, आप सबको शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं। आज का ये चॉकलेट डे जो है बड़ा शुभ रहे। पहले राहुल गांधी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कांग्रेस की आने वाली सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कांग्रेस की सरकार आएगी? मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग सब लोगों से कि जिस वक्त से मैंने पॉलिटिक्स से मैं बाहर आया हूँ, बाहर निकला हूँ, मैं टिप्पणी कभी नहीं की। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि किसी को ये लगे नहीं कि गोविंदा फिर इसमें इंटरेस्टेड है या उस पर विषय पर टिप्पणियाँ कर रहा है, ऐसा कभी नहीं लगे। हाँ, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यस, लोग टिप्पणियाँ देते हैं, बट देन मैंने कभी नहीं दी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जैसे ही 8-10 साल निकल जाते हैं तो ये 10 साल निकलते ही लोगों को यकीन हो जाएगा कि गोविंदा इसमें विषय में नहीं है और इस सब्जेक्ट पर डिस्कस भी नहीं करता है। इतने बड़े पॉलिटिशियन के साथ मैंने जो लड़ाई लड़ी थी उसके बाद थोड़ा ही मैं उस तरफ मुड़ के देखने लगूँ तो लोगों को बड़ी सी घबराहट होने लगी थी। ऐसे बहुत से लोग थे और मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। ओके गोविंदा जी, जैसे एल्बम का टाइटल है ना हीरे नु सता, आपको इंडस्ट्री में किसने सताया? कोई ऐसी हीरे जिसे मुझे इंडस्ट्री में किसी ने नहीं सताया। ये जो मैं पॉलिटिक्स में जो गया था वो कमाल था। पूछो नहीं। अच्छा गोविंदा जी के हाथों से अपने सर, गोविंदा जी का यहाँ आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड की बात है। उनके हाथ से ये इनॉग्रेट होना बहुत बड़ी प्राउड की बात है। ये इनका बड़प्पन है सर का कि इन्होंने म्यूज़िक वीडियो की लॉन्चिंग के लिए अपना समय निकाला और बहुत कीमती समय, सर के पास बहुत कम समय रहता है लेकिन उसके बावजूद सर आए। और एज अ एल्डर ब्रदर मैं बोल सकता हूँ कि सर मेरे एक एल्डर ब्रदर की तरह मेरे ऊपर इनका हाथ है और सर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ।